आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत। इस देश के हिंदुओं के साथ ये करना है। आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल माँ दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना है। ये बंगाल माँ काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो? ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाए, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, 130 समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है
और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं।